नूरपुर ब्लॉक के जांच में क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में किसानों बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों के साथ साथ गर्म क्षेत्रों में उन्नत किस्म के बागवानी सब्जियां फॉरेस्ट्री औषधीय पौधे की दृष्टि पर काम कर रहा है और किसानों और बागवानों को सस्ते दामों में पौधे उपलब्ध करवा रहा है। बरसात के मौसम में उन्नत किस्म के फलदार पौधों और औषधीय पौधे के साथ विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे जिसने किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं डॉक्टर विपिन गुलेरिया ने कहा है कि क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जांच डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आधुनिक वानिकी विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जहाँ अलग अलग विभाग जैसे बागवानी फॉरेस्ट्री और सब्जियाँ हैं। फॉरेस्ट्री की दृष्टि से हम यहाँ गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी वनों से संबंधित पेड़ पौधे हैं उन पर हम अनुसंधान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की हरड़ की विशेष प्रजातियों के लिए और लसूड़े की उन्नत किस्मों को उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लसूड़ा लगभग लुप्त होने के कगार में आ गया था, उसका बीजकरण उसको कंजर्व किया है। उसके अंतर्गत अब हमने 5 ऐसी किस्में विकसित की हैं जो किसानों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन किस्मों से अब किसान अपनी आमद बढ़ा रहे हैं। जो जमीन कभी मरुभूमि या कम उपजाऊ लगती थी उसमें भी किसान काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। वहीं डॉक्टर अनमोल वशिष्ठ जो कि उत्तराखंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में निदेशक शोध हैं, उन्होंने बताया कि वह उत्तराखंड में मोटे अनाज पर काम कर रहे हैं। इस तरह की फसलें वहाँ बहुत होती हैं। हम यहाँ से कुछ जर्म प्लाजा लेकर वहाँ टेस्ट करेंगे और वहाँ भी इस तरह के पौधे पर शोध करेंगे। उन्होंने बताया कि वहाँ के किसान भी इस तरह के पौधे में रुचि रखते हैं और यहाँ जो हरड़ बेड़ा आंवला के पौधे हैं जो 2-3 साल में फल दे देते हैं उन्हें वहाँ भी ले जाया जाए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल वशिष्ठ हूँ, निदेशक शोध हूँ बीरचंद सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये 2011 में उत्तराखंड में बनी थी। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है भरसार है और ये सोलन यूनिवर्सिटी जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री उसी तरह पर बनाई गई है। यहाँ पे भी हम हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और इवन जो कृषि पे भी काम कर रहे हैं। वहाँ मोटा अनाज और हमारे जैसे मड़ुआ झंगोरा है और चुलाई है, इस तरह की वो क्रॉप्स हैं वहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी होती है, उस पर भी काम कर रहे हैं। और फॉरेस्ट्री में कृषि वानिकी और जो अकाष्ठीय वन जो ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो काम कर रहे हैं यहाँ के हॉर्टिकल्चर स्टेशन जो यहाँ पे है और सोलन यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना जर्म प्लाज्म कुछ लेके वहाँ टेस्ट करेंगे और वहाँ पे भी हम इस तरह के प्लांटिंग मटेरियल्स को अपने शोध में शामिल करेंगे और उसके बाद हम भी फार्मर्स को उसी तरह से, क्योंकि फार्मर्स हमारे वहाँ के भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह की, जिससे जो हमारे ये हैं किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ये है, जैसे हरड़ है, बेड़ा है और ये आपके कटहल है, जामुन है, ये यहाँ पे जो इनके ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं ये 2-3 साल में ये काफ़ी फ्रूटिंग भी दे देती है, जिससे वैल्यू एडिशन करके फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हमारी उत्तराखंड में भी है, आपके हरिद्वार के पास है और देहरादून के पास है, उनकी काफ़ी डिमांड है। क्योंकि हम भी वहाँ पे रोजमेरी वगैरह है, ऑर्गेनो है, उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ उसकी बहुत डिमांड है स्पाइसेस में और बाहर भी लोग भेजते हैं। उसके अलावा हमारा टेम्परेट फ्रूट्स पे भी काम है क्योंकि हमारी पहाड़ी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है और मैक्सिमम काम जो हमारा जैसे सेब है, आपके कीवीज वगैरह का, उस पर भी काम है। पर हमारा जो लोअर क्षेत्र में उसमें जो हमारा गर्म जो क्षेत्र है वहाँ पे हम इस तरह के ये जो अकाष्ठीय जो वन उत्पाद हैं जिससे हमारा हरड़ बेड़ा है, इससे कैसे इनकम इंक्रीज किया है, क्योंकि फार्मर चाहता है इमीडिएट इनकम कैसे बढ़ी। वो इनकम ऐसी बढ़ेगी जब हम ग्राफ्टेड प्लांट्स जैसे एप्पल की अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन शुरू हो गया, 3-4 साल में फ्रूटिंग दे रहा, उसी तरह से ये आपके लसोड़ा है, ये हरड़ है, आंवला है, ये भी 3-3 साल में इसकी फ्रूटिंग दे रहा है। मैंने डॉक्टर विपिन गुलेरिया जो काफ़ी समय इस पर शोध भी कर रहे हैं और किसानों से जुड़े हैं, तो इनसे हमने संज्ञान लेके ये इस तरफ हमने सोचा कि अपने यूनिवर्सिटी में क्यों ना हमारे वाइस चांसलर साहब जो अभी सोलन से ही वहाँ गए हैं डॉक्टर परविंदर कौशल, तो उन्होंने ये किया कि इस पर जोर दिया, इसको थर्स्ट एरिया में लाया जाए और जो लोअर एरियाज के किसान हैं उनको भी इस तरह के प्लांटिंग मटेरियल हम नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करवा दें। मैं डॉक्टर विपिन गुलेरिया, प्रधान वैज्ञानिक वानिकी क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जांच, जो कि
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर कार्यरत हूँ। और हमारे यहाँ अलग अलग विभाग हैं, जैसे बागवानी है, फॉरेस्ट्री है, सब्जियाँ हैं। तो फॉरेस्ट्री के दृष्टि से हम यहाँ गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी वनों संबंधित पेड़ पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, उनके ऊपर हम अनुसंधान करते हैं। और हमारे इस केंद्र की हरड की विशिष्ट प्रजातियों के लिए और लसूड़े की उन्नत किस्मों के लिए, जो कि लसूड़ा जो है लगभग विलुप्त होने के कगार पे आ गया था, उसके उसके बीज बीजर जर्मिनेशन की समस्या के कारण एवं उसका जो लोगों द्वारा उसको काटा जा रहा था, तो हमने उसको एक कंजर्व किया है। और उसके अंतर्गत हमने अब जो है 5 ऐसी किस्में विकसित की हैं जो कि किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। उनके हमने अलग अलग जगहों पे टेस्टिंग भी किया रखी है और इन किस्मों से किसान जो है अब अपनी आय बढ़ा रहे हैं। और जो ज़मीन हमारी कभी मरुभूमि या कम उपजाऊ लगती थी, वहाँ से भी किसान अब काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। और हमारे प्रतिवर्ष लसूड़ा के लगभग 5-6 हज़ार पौधे हम किसानों को, कलमी पौधे जो उन्नत किस्म के हैं, जो कि दूसरे और तीसरे साल ही फल देते हैं, उनकी हम के वो पौधे जो है किसानों को सस्ते दामों पर विश्वविद्यालय की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। और उस इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारे पौधे जो है जब सेल सीजन आता है बरसात के दिनों में, हमारे पी वैक टेक्नोलॉजी से हम पौधे तैयार करते हैं, तो वो जो है पौधे हैं वो शर्तिया ही फील्ड में चलते हैं, तो वो लगभग 10-15 दिनों में ही हमारा जो स्टॉक खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हम हरड़ का, चंदन का हमारा अच्छा हम यहाँ काम कर रहे हैं, किसान भाइयों को उनकी उपलब्ध करा रहे हैं। और तुनी पे भी हम बहुत अच्छा काम अब कर रहे हैं, तुनी की हम उन्नत किस्मों की खोज कर रहे हैं और कुछ किस्में जो हमारे स्थानीय स्तर पर उनके हम पौधा तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही हम जामुन की हमने एक स्थानीय किस्म का भी उसको तैयार कर रहे हैं और जो हमारी प्रचलित किस्में उनके हम कलम विधि से तैयार कर रहे हैं। हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है, ड्यू है। और मेडिसिनल प्लांट में हम माल कंगनी जिसे शंखीरू कहते हैं, उसकी भी हम पौध तैयार किसानों को दे रहे हैं। फिर हम मेहंदी की किस्में किसानों को दे रहे हैं, स्टीविया पे काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो गर्म क्षेत्र के लिए वानिकी और औषधीय पौधों संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हम यहाँ पैदावार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ हम इस क्षेत्र में जो अनुसंधान के महत्वपूर्ण विषय जैसे कृषि वानिकी में किसान की आय कैसे बढ़ जा सकती है, पौधों में जो विलुप्त हो रही प्रजातियां जंगलों की हैं उनको कैसे बचाया जा सके, और कोई जो बाहर से लाने वाली प्रजातियां उनका टेस्टिंग करना, उनका इवेल्यूशन करना ताकि वो इस जलवायु में वो कैसे परफॉर्म करेंगी, कैसे वो चलेंगी, इसके ऊपर हम यहाँ अनुसंधान करते हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के से अनुसंधान जो शोध विद्यार्थी हैं उनको भी हम यहाँ उनके अनुसंधान के ट्रायल जहाँ लगते हैं और हम उनको गाइड करते हैं। और विश्वविद्यालय की तरफ से हमें यहाँ जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो हमें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि हम जो है किसानों की सेवा में इस केंद्र को समर्पित कर सकें। जी सर, किसान भाइयों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो जो पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे, चाहे बागवानी के हो, चाहे वो वनों के हो, वो उन्नत किस्म के लगाएं और सर्टिफाइड नर्सरी, जैसे हमारा विश्वविद्यालय है, हम अनुसंधान करके उन चीज़ों को तय करते हैं कि उनकी पैदावार होगी किन क्षेत्रों में लगेगी, तो वहाँ से किसान भाई लगाएं। लेकिन मेरा एक अनुरोध किसानों से भाइयों से ये रहेगा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे किसान, अच्छे किसान भी होते हैं, केवल मात्र बरसात के दिनों में वो आते हैं और पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ वर्ष भर जुड़े और लगाने से जो जुलाई में पौधा लगना उसकी तैयारी वो मार्च से करें। गड्ढा कब करना है, कितनी दूरी पे लगना है, कहाँ से कौन सी किस्म मिलनी है, किस क्षेत्र में कौन सी किस्म लगनी है, ये सब जानकारी हमारे पास टिप्स पे होती है। लेकिन किसान भाई जब अंत में आता है और वो फिर एक दुविधा में होता है कि लगाए या ना लगाए और क्या लगाए, तो अगर वो समय से हमारे साथ जुड़े और जानकारी ले तो मुझे लगता है कि हम इस क्षेत्र की और किसान की आमदनी दुगनी कर सकते हैं। नूरपुर से स्वर्ण राणा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। पठानकोट में पहली बार ब्लोअर से तैयार की गई शीशे की तरह साफ और पत्थर की तरह मजबूत बर्फ अब बहुत कम दामों में उपलब्ध है। विवाह, शादियों और पार्टियों और अन्य समारोह के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से अत्यधिक वाजिब दामों पर कम से कम 2 ब्लॉक का ऑर्डर के लिए संपर्क करें कार्तिक आइस फैक्ट्री पर।